बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम अजीज पेंशनरों, पाकिस्तान में पेंशनर्स का क्या हाल है इसकी किसी को फिक्र नहीं। कोई वीडियो नहीं बना रहा, मुस्कान खान पे हर चैनल 10-10 वीडियो बना रहा और एक तूफान मचा हुआ है कि जी इसने मुस्कान को 50 लाख दे दिया, इसने 1 करोड़ दे दिया, इसने 3, इसने 5 करोड़ दे दिए, जबकि हकीकत में किसी ने कुछ भी नहीं दिया। लेकिन वीडियो पे वीडियो बनती जा रही है और लाइक्स और व्यूज एंड सब्सक्राइब जो है वो उस पर आते जा रहे हैं। पहली बात ये, मुस्कान का अपना बयान चेक करें, उसने कहा कि ये हमारा इंटरनल मसला है, पाकिस्तान को इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। अवैसी साहब जो वहाँ पे बैठे हुए हैं उनका भी यही बयान है, अवैसी साहब ने भी कहा है कि ये हमारा इंटरनल मसला है, इस पर पाकिस्तान जो है भाड़ में, कुछ इस तरह का जुमला उन्होंने कहा है। नाउज़बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, मैंने सुना था, मुझे याद पड़ता, कुछ ऐसे ही कहा था उन्होंने। तो अवैसी साहब को जितनी इंडिया में पजीराई हासिल है और जो वो वोट बैंक जिस तरह हासिल करना चाह रहे हैं, सियासी बंदे हैं, उनको ऐसे ही करना चाहिए, उनको आता ही है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो सारे जहां का दर्द हमारे दिल में है, तो ये जो पूरे पेंशनर हैं जिनकी पेंशन 8,500 है, इनके बारे में कौन सोचेगा? इस पर आज तक कोई आवाज़ बुलंद नहीं करता। बहुत ज़्यादा मायूसी और डिसअपॉइंटमेंट है अपनी कौम की तरफ से, अपने जवानों की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से। न बात को आगे फैलाते हैं, ना शेयर करते हैं, ना उन लोगों की मदद को आगे आते हैं। एनजीओ का किरदार भी समझ नहीं आ रहा, हुकूमत का तो समझ आ ही नहीं रहा। तो इस तरह शजर से उम्मीदें बाहर रख, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि वो हमारे साथ अच्छा करेगा।